हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ राकेश झा। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट आवर फर्स्ट चैप्टर इंडियन इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट, टॉपिक ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। दिस इज़ आवर पार्ट नंबर 7। ये हमारा पार्ट नंबर 7 है। इससे पहले 6 पार्ट बन चुका है इंडियन इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट का। तो आइए आज देखते हैं हमारा टॉपिक ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था इंडिपेंडेंस टाइम पे, यानी कि लोग जो थे कौन से ऑक्यूपेशन से जुड़े हुए थे उस टाइम पे, कितने लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए थे, कितने लोग इंडस्ट्री सेक्टर से जुड़े हुए थे और कितने लोग टर्जरी सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर से जुड़े थे, उसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। सो देखते हैं। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रिफर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन अक्रॉस प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्जरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हमें क्या बताता है, वो हमें ये बताता है कि कितने लोग कौन कौन सी कामों में जुड़े हुए हैं, यानी कि बटे हुए हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कितने लोगों का कौन कौन सी कामों में हुआ है, यानी कि प्राइमरी सेक्टर में कितने लोग जुड़े हुए हैं, सेकेंडरी सेक्टर में कितने लोग जुड़े हैं और टर्जरी सेक्टर में कितने लोग जुड़े हैं पूरे इकोनॉमी में। यहाँ पे कुछ टेबल दिया गया है। टेबल शोज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारा जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था वो एक हम टेबल के थ्रू समझेंगे कि कितने लोग कौन कौन से सेक्टर में जुड़े हुए थे। द डाटा रिलेट टू द 1951, और ये डाटा जो है वो कब का है, 1951 का है, क्योंकि 1947 में कोई ऐसा 1947 में हमारे पास डेटा नहीं था, इसलिए 1951 में जो हमारा डेटा हो कलेक्शन हुआ तो उस टाइम का ये डेटा है, 1951 का, 1947 का नहीं है ये, ठीक है। ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया ऑफ एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि हमारा जो ऑक्यूपेशन था, यानी कि लोग कौन से सेक्टर से ज़्यादा जुड़े हुए थे, यानी कौन जो लोग थे ज़्यादा काम कौन सा काम करते थे उस टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट दिया है प्राइमरी सेक्टर, यानी प्राइमरी सेक्टर में आप देखेंगे तो 72% लोग जो थे वो जुड़े हुए थे, 72% पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, ठीक है, यानी 100 में से 72 लोग प्राइमरी सेक्टर से जुड़े हुए थे, 72.7%। ये 1951 का डेटा है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में कितने लोग थे, एग्रीकल्चर में थे 50% पॉपुलेशन, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन सा सेक्टर आएगा वो आप देख सकते हो। सेकेंड है एग्रीकल्चर लेबर, यानी कि उसमें जो खेती में जो लोग काम करने वाले जो लेबर्स थे, मजदूर थे, वो कितने थे, 19.7%, यानी कि अप्रॉक्स 20% मान लीजिए आप। इसके अलावा जो तीसरा जो प्राइमरी सेक्टर से जुड़े हुए थे वो कौन कौन सी चीज़ों से जुड़े हुए थे, फॉरेस्ट्री यानी कि जंगल के कामकाज से, फिशरीज जो मच्छी पालन होता है, जो मच्छी मारने जाते हैं मच्छी मार लोग उन लोग, एनिमल हस्बेंडरी गाय पालना, बकरे पालना या भैंस पालना, ये सब, प्लांटेशन यानी कि चाय पत्ती की खेती में कितने लोग लगे हुए थे, तो उसका परसेंटेज कितना है, 2.4% है। फॉरेस्ट्री, फिशरीज, एनिमल हस्बेंडरी एंड प्लांटेशन वर्कर्स कितने परसेंट इंगेज थे, 2.4%। और माइनिंग जो कोयले की खदान में जो लोग लगे हुए थे या रेत के रेती का खनन करने में लगे हुए थे वो कितने थे, 0.6%। तो प्राइमरी सेक्टर में टोटल मिला के 72.7% लोग एंगेज थे, ठीक है। आपको याद रखना, एग्जाम में पूछ सकता है कि कितने परसेंट 1951 में लोग एग्रीकल्चर यानी कि प्राइमरी सेक्टर में एंगेज थे, तो आपको याद रखना है 72.7%। अब देखते हैं सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में 10.1% लोग एंगेज थे, यानी कि 10.1% लोग क्या कर रहे थे, सेकेंडरी सेक्टर से जुड़े हुए थे, सेकेंडरी सेक्टर में काम कर रहे थे। अब सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, इंडस्ट्री सेक्टर, ठीक है, स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो उसमें कितने परसेंट थे, 9%। स्मॉल यानी कि कोई छोटे से कारखाने, कंपनी, इसमें जो जुड़े हुए थे। और बड़ी की बात करें तो टिस्को, टाटा स्टील, मैंने बताया था आपको, टिस्को हुआ, भेल हुआ, भारत हैवी इंडस्ट्री, तो ये जो बड़े बड़े जो कंपनी थे और छोटी छोटी कंपनियों जो थी, कारखाने थी, उसमें कितने 9.9% लोग थे, और बाकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में थे, जैसे कि कहाँ पे घर बन रहा है या कोई फ्लैट बन रहा है, तो उसमें ओनली 1% थे। यानी टोटल सेकेंडरी सेक्टर में कितने परसेंट लोग थे, 10.1% लोग थे, ये आपको याद रखना है। थर्ड है टर्जरी सेक्टर, यानी कि सर्विस सेक्टर भी हम इसे कहते हैं। इसमें जो थे 17.2% लोग एंगेज थे, यानी कि 17.2% पीपल एंगेज इन दिस ऑक्यूपेशन, यानी कि इस सेक्टर से जुड़े हुए थे। उसमें भी ट्रेड एंड कॉमर्स में कितने परसेंट थे, 5.2%। बाद में
ट्रांसपोर्ट स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन से कितने थे 1.4%। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम उतना डेवलप नहीं हुआ था उस टाइम पे 1951 में, तो उसमें कमी लोग इंगेज थे। एंड अदर सर्विसेज यानी कि जैसे कि हमारा डॉक्टरी सर्विस हुआ, बाद में क्या कहते हैं लॉ जो एडवोकेट लोग रहते हैं वो, बाद में टीचर्स, ठीक है, बैंकिंग सिस्टम, ये सब आई गए उसमें। ट्रेड एंड कॉमर्स में तो बैंकिंग सिस्टम आ गया, यानी कि टोटल कितने लोग थे 17.2% लोग टर्जरी सेक्टर से जुड़े हुए थे। ठीक है, यानी टर्जरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, प्राइमरी सेक्टर में कितने 72.7% लोग जुड़े हुए थे, सेकेंडरी सेक्टर में कितने यानी कि इंडस्ट्री सेक्टर में 10.1%, और टर्जरी सेक्टर जिसे हम सर्विस सेक्टर कहते हैं उसमें कितने थे 17.2%। ठीक है, और ये डेटा कब का है, 1951 का है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया गया है उसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। एग्रीकल्चर द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन। आपको पता है कि उतना डेवलप कंट्री हमारा नहीं था 1947 में, तो ज़्यादातर लोग क्या करते थे, खुद की ज़मीन होती थी और उस पर खेती करते थे। उसके पास, उन लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, दूसरा रास्ता ही नहीं था कि कंपनियों में जाए या खुद का बिजनेस कर सके, उतना कुछ आइडिया ही नहीं था उन लोगों के पास। तो ज़्यादातर लोग जो थे जो गाँव में रहते थे खास करके लोग, ठीक है, तो क्या कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था हमारा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इतना डेवलप नहीं था, रोड इतने डेवलप नहीं थे हमारे। ठीक है, तो ज़्यादातर जो पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी हुई थी और उन लोग का सोर्स ऑफ इनकम भी एग्रीकल्चर ही सेक्टर था। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस अबाउट 72.7% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन वॉज एंगेज इन एग्रीकल्चर। ठीक है, परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंडिंग ऑन द एग्रीकल्चर इज मच लेस इन एडवांस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि हमारा जो कंट्री था वो बहुत पिछड़ा हुआ कंट्री था। आपको भी पता है 1947 में अमेरिका, जापान की बात कर लो, इंग्लैंड की बात कर लो, वो उस टाइम पे भी हमसे बहुत ज़्यादा डेवलप थे, आज भी बहुत ज़्यादा डेवलप है। तो हम उस टाइम भी उनसे पीछे थे और आज भी पीछे हैं, और इसका सबसे बड़ा जो रीज़न था ये था कि हमारी जो वर्किंग पॉपुलेशन थी वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड थी और दूसरे सेक्टर को ध्यान नहीं दिया करते थे उस टाइम पे, तो ये एक रीज़न हो सकता है। तो आप देख सकते हो, आप फॉर इंस्टेंस इन इंग्लैंड एंड अमेरिका 2%, यानी कि अमेरिका और इंग्लैंड में कितने परसेंट लोग खाली एग्रीकल्चर में काम करते थे, सिर्फ 2%। आप सोच के देखिए और वही हमारा कंपेयर करिए 72, यानी कि बहुत ज़्यादा हम लोग क्या कहते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड थे हम। इन जापान 12% एंड जर्मनी 4%। जापान 12% लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए थे और जर्मनी के ओनली 4% ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, जिसमें अगर देखा जाए कंपेयर टू इंडिया तो इंडिया में तो 72%, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग जुड़े हुए थे। और यही हमारा जो एक रीज़न है अनबैलेंस ग्रोथ का, वो एक बहुत बड़ा रीज़न बना हमारा। दिस एस्टेब्लिशेस बैकवर्डनेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। और ये सबसे बड़ा जो रीज़न हुआ हमारे इंडियन इकोनॉमी डेवलप, इंडियन इकोनॉमी बैकवर्डनेस का, ये सबसे बड़ा रीज़न कि हम खास करके कौन से सेक्टर पे हम डिपेंड थे, एग्रीकल्चर सेक्टर पे। हमको बैलेंस करके चलना था, जैसे कि 100% है, 100 लोग हैं, 100 लोग में से 30 लोग एग्रीकल्चर में काम करेंगे, 30 लोग इंडस्ट्री में काम करेंगे और 30 लोग सर्विस सेक्टर में काम करेंगे। इस तरह से हम काम करते उस टाइम पे तो हमारा जो इकोनॉमी है जो बैलेंस बनी रहती है हमारी इकोनॉमी की, और हम एक डेवलप कंट्री कहलाते उस टाइम पे भी। इंडस्ट्री एंड सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन। जो इंडस्ट्री था वो सेकेंडरी सेक्टर कह सकते हैं, हम इंडस्ट्री को हम सेकेंडरी सेक्टर, और इंडस्ट्री सेक्टर इतना डेवलप नहीं था। क्यों डेवलप नहीं था, क्योंकि हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम था, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर आप कह लो, वो इतना डेवलप नहीं था। ठीक है, लोग गांव से बाहर निकलना नहीं चाहते, शहरों में जाना नहीं चाहते थे, दूसरे के वहाँ काम करना नहीं चाहते थे। ठीक है, और इसके अलावा उन लोग कुछ फ्यूचर का नहीं सोचते थे उस टाइम पे कि हमें आगे के लिए सेविंग भी करना है या हम खुद अपना जो डेवलप है वो कैसे कर सके। तो एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। तो आइए देखते हैं, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस बैरली 9% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इन इंडिया वॉज इंगेज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री माइनिंग एक्सेट्रा। यानी कि सिर्फ 9% जो पॉपुलेशन थी हमारी इंडिया की वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़ी हुई थी। आज के कंपैरिजन करोगे तो आज तो हम बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जुड़े हुए हैं। आज हम हर चीज़ बनाते हैं, मोबाइल से लेके, कंप्यूटर से लेके, फैन से लेके, A to Z हम इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हो या कपड़े हो या कुछ भी चीज़ में, बहुत सारे लोग इंगेज हैं। ठीक है,
पर उस टाइम पे उतने लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हुए नहीं थे, सिर्फ 9% लोग जो थे वो जुड़े हुए थे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और माइनिंग से, एज अगेंस्ट इन 32% इन यूएसए। और यूएसए की अगर हम बात करें तो यूएसए में आपको पता है कि वेस्टर्न कंट्री और वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था उस टाइम पे, और बहुत ज़्यादा डेवलप कंट्री थी उस टाइम पे भी यूएसए, तो वहाँ पे 32% जो लोग थे वो इंडस्ट्री सेक्टर से जुड़े हुए थे, 42% लोग इंग्लैंड में इंडस्ट्री सेक्टर से जुड़े हुए थे, 39% लोग जापान में इंडस्ट्री सेक्टर से जुड़े हुए थे, जबकि हमारा इंडिया जो था ओनली 9% पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन जुड़ा हुआ था इंडस्ट्री सेक्टर से। और ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है हमारे इकोनॉमिक बैकवर्डनेस का। इफ़ फर्दर प्रूव्स द हाउ बैकवर्ड द इंडियन इकोनॉमी वॉज द एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, और ये हमें शो कर रहा है, ये बता रहा है, ये साइन दे रहा है कि हमारा जो कंट्री था उस टाइम पे कितना पिछड़ा हुआ था कंपेयर टू अनदर कंट्री, कंपेयर टू यूरोप कंट्री, कंपेयर टू अमेरिका, कंपेयर टू जापान, ठीक है, हम कितने पीछे थे उनसे। तो ये बहुत बड़ा रीज़न था हमारा बैकवर्डनेस का, हमारी इकोनॉमी के बैकवर्डनेस का। उसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा अनबैलेंस ग्रोथ, यानी कि हमारा ग्रोथ जो था मैंने पहले बताया आपको कि अनबैलेंस ग्रोथ रेट था, यानी कि वर्किंग पॉपुलेशन को एक बैलेंस बना के चलना चाहिए था, यानी 30% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हो, 30% लोग सेकेंडरी सेक्टर यानी कि इंडस्ट्री सेक्टर से जुड़े हो, और 30% लोग टर्जरी सेक्टर यानी कि सेवा सेक्टर से जुड़े हो, सर्विस सेक्टर से जुड़े हो। अगर ऐसा होता तो हमारी जो इकोनॉमी का जो बैलेंस है वो बना रहता और हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ करती, ठीक है, एवरेज 7% या 8% के हिसाब से उस टाइम पे भी ग्रोथ कर सकती थी, लेकिन हमारा जो क्या कहते हैं जो वर्किंग पॉपुलेशन था वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे ज़्यादा ध्यान दे, जिसकी वजह से जो हमारे दो सेक्टर जो थे वो उतना डेवलप नहीं हो पाया, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका रीज़न क्या है। द टेबल शोज अनबैलेंस ग्रोथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ग्रोथ इज सेड टू बी बैलेंस व्हेन ऑल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी आर इक्वली डेवलप, यानी कि तीनों सेक्टर को हमको डेवलप करने की जरूरत है, एग्रीकल्चर सेक्टर को भी उतना ही ध्यान देने का जरूरत था हमें, सेकेंडरी सेक्टर को भी उतना ही ध्यान देने की जरूरत थी हमें, और टर्जरी सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर पर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए था हमें, पर हमने वो दे नहीं पाई। हाउएवर इन केस ऑफ इंडिया सेकेंडरी एंड टर्जरी सेक्टर्स वर इन देयर इन्फेंट स्टेज ऑफ ग्रोथ, और कहा जाए सेकेंडरी सेक्टर जो था हमारा इंडस्ट्री सेक्टर वो तो अभी खाली पैदा हुआ था यानी कि अभी जन्मा था, इंडस्ट्री सेक्टर अभी लगा था, तो उस पर हमें ज़्यादा जोर देना चाहिए था। जैसे बच्चा जन्मता है कोई बच्चा तो उसके ऊपर हम कितना उस पर भरण पोषण के लिए करते हैं, उसको खाना खिलाते हैं अच्छे अच्छे और सब पौष्टिक आहार देते हैं, विटामिन्स या मिनरल्स हर चीज़ देते हैं ताकि बच्चे की ग्रोथ जल्दी से जल्दी हो, लेकिन हमने ऐसा किया नहीं, ठीक है। हम तीन बच्चे थे, हमारे तीन बच्चे में हम खाली एक ही बच्चे पे डिपेंडेंट रहे और एक ही बच्चे को डेवलप करने के चक्कर में रहे, बाकी दो बच्चे हमारे कैसे हो गए, कमज़ोर हो गए। आई होप आपको इस एग्जांपल के तो समझ आ गया होगा, जब आपके तीन बच्चे हैं तो तीनों पे आपको ध्यान देना चाहिए ना, आप पढ़ा रहे हो तो तीनों को पढ़ाओगे कि खाली एक ही बड़े वाले को पढ़ाओगे, दोनों को भी तो पढ़ाना उतना ही ज़रूरी है ना। तो ऐसी हमारी इकोनॉमी होती है, इकोनॉमी में अगर आप एक ही सेक्टर को डेवलप करना चाहोगे तो बाकी दो सेक्टर तो ऐसे ही रह जाएगा, तो वो कहाँ से ग्रो करेगा। तो ये एक पॉइंट है हमारे पास। Hence the conclusion that Indian economy at the time of independence was lopsided and therefore backward, यानी कि कहा जाए तो हमारी इकोनॉमी उस टाइम पर बहुत बैकवर्ड थी, उसके जो रीज़न थे यही थे कि हम एक सेक्टर को ज़्यादा फोकस किए, बाकी दो सेक्टर को हमने इग्नोर किया, उनको ज़्यादा डेवलप करने के पीछे हम ध्यान नहीं लगा पाए, या हमारे बहुत सारे क्या कहते हैं क्या एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने ज़्यादा फोकस किया, बाकी दो सेक्टर पर हमने उतना फोकस नहीं किया। उसके बाद हम देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ रेलवेज इन इंडिया, यानी कि रेलवे जब आया इंडिया में तो उसके इम्पैक्ट क्या हुए, कुछ पॉजिटिव भी हुए कुछ नेगेटिव भी हुए। तो पहले हम नेगेटिव देख लेते हैं, सॉरी पॉजिटिव देख लेते हैं। रेलवेज फैसिलिटेटेड एक्सपांसन ऑफ द डोमेस्टिक मार्केट अकॉर्डिंगली एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ द कंट्री शो अ सिग्निफिकेंट राइज, यानी कि जो रेलवे आया तो रेलवे का सबसे बड़ा जो पॉइंट हुआ, जो बेनिफिट हुआ हमारी इकोनॉमी को, क्या हुआ कि हमारे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गए, और डोमेस्टिक जो मार्केट था यानी कि बंगाल से मुझे गुजरात पहुँचाना है सामान को, तो पहले बहुत टाइम लगता था, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम उतना डेवलप नहीं था हमारे पास, बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी या टांगा या बग्घी से हम सामान को पहुँचाते थे, उसमें आप सोच सकते हो कितना हमारा टाइम वेस्ट होता था, कितने हमारे पैसे वेस्ट होते थे, कितने हमारे लेबर्स लगते थे, लेकिन जब से रेलवे आए तो ये हमारा टाइम जो हुआ वो सेव होने लगा, ठीक है, और हमने कम समय में सामान को पहुंचाना चालू किया, जिसकी वजह से पैसे भी बचे, मजदूरी भी बची, और क्या कहते हैं
फास्ट होने लगा काम, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बढ़ गए हमारे। सेकेंड, रेलवेज फैसिलिटेटेड कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एज गुड्स कुड देन बी मूव टू डिस्टेंस प्लेस। दिस इम्प्लाइड अ मॉडेस्ट चेंज इन द आउटलुक ऑफ द फार्मर्स। दे स्टार्टेड विविंग फार्मिंग एज अ बिजनेस रेदर देन मरली एज अ सोर्स ऑफ द सब्सिस्टेंस। ये पॉइंट हमें क्या कहना चाहता है, ये पॉइंट कहना चाहता है कि पहले जो था ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारे जो फार्मर्स होते थे वो क्या करते थे कि खेती करते थे। खेती कितना करते थे कि हमारा 6 महीना चल जाए या 1 साल भर चल जाए, यानी खुद के लिए खेती करते थे, सब्सिस्टेंस के लिए खेती करते थे, एग्रीकल्चर करते थे, फार्मिंग करते थे। लेकिन जब से ये ब्रिटिशर्स आए उन्होंने समझाया कि आप जो फार्मिंग करते हो उसको आप कॉमर्शियलाइजेशन कर सकते हो, यानी कि कुछ फार्मिंग आप करो और कुछ खाने के लिए बचाओ, बाकी आप मार्केट में बेच सकते हो। और इसका जो सबसे बड़ा मेन रीज़न ये था कि ब्रिटिशर्स जो लोग थे वो इंडिगो की खेती कराना चाहते थे। तो इंडिगो की खेती करेंगे तो ब्रिटेन को फ़ायदा होगा। कैसे? तो जो लोग फूड ग्रेन्स की खेती करते थे, यानी कि वीट राइस की खेती करते थे, उनको किस में लगाया गया? इंडिगो में लगाया गया। क्यों लगाया गया? क्योंकि उनके इंडस्ट्री सेक्टर को ज़्यादा बेनिफिट मिले, ठीक है। और यहाँ पे दूसरी ओर क्या कर दिया गया, फार्मर्स को एडवांस में पैसे देने लग गए ब्रिटिशर्स कि आप लोग एडवांस में लो और इंडिगो की खेती करो, इससे आपको पैसे भी मिलेंगे, आपका गुजारा भी चल जाएगा और आपको खाने पीने के लिए भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारे जो फार्मर्स थे जो पहले सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते थे, यानी जितना पैदा करेंगे उतना हम खुद खाएंगे, हमें मार्केट में नहीं बेचना है, उसको चेंज किया ब्रिटिशर्स ने। उसको चेंज करके क्या कर दिया, कॉमर्शियलाइजेशन कर दिया उस चीज़ का। अभी एग्रीकल्चर लोग क्यों करेंगे, ट्रेड करने के लिए, यानी कि व्यापार करने के लिए करेंगे, कुछ बेनिफिट कमाने के लिए करेंगे, ठीक है। तो ये चेंज किया उन्होंने। थर्ड पॉइंट है, रेलवेज इनेबल्ड पीपल टू ब्रेक द बैरियर्स ऑफ द डिस्टेंस, अंडरटेक जर्नी टू फार ऑफ प्लेसेस। दिस प्रमोटेड कल्चरल एफिनिटी अमॉन्ग द कंट्रीमैन। यानी कि उन्होंने क्या किया, ये जो रेलवेज आया, ठीक है, रेलवे या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को उन्होंने डेवलप किया, ठीक है, या इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया, उसका बेनिफिट हमें क्या मिला इंडिया की इकोनॉमी को, कि हमारे जो फार्मर्स थे, ठीक है, वो क्या कहते हैं, एक सामान को दूसरी जगह पहुंचाने में बहुत प्रॉब्लम्स होती थी, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम उतना डेवलप नहीं था। तो उन्होंने क्या किया कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को बेहतर बनाया, और जैसे कि गुजरात के व्यक्ति को, गुजरात के फार्मर्स को ज़रूरत है राइस की, तो राइस वो बंगाल से मंगा सकते हैं और यहाँ से जो कॉटन जाता है, जो कपास जाता है, वो बंगाल को सेंड कर सकते हैं। तो दोनों को बेनिफिट होगा, यहाँ पे वो कॉटन बेच के भी पैसे कमा सकते हैं और बंगाल का जो फार्मर्स है वो राइस बेच के भी पैसे कमा लेगा, तो दोनों को बेनिफिट हुआ। फोर्थ पॉइंट है, फास्टर मूवमेंट ऑफ फूड ग्रेन अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री हेल्प कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ फेमाइंस। फूड सप्लाइज कुड रीच द पीपल बिफोर दे वर ड्राइवन टू स्टार्वेशन। यानी कि ये जो फूड ग्रेन का जो ये जो अनाज था, अनाज आपको पता है कि बहुत सारी जगह पे सूखाग्रस्त है, जैसे कि महाराष्ट्र में आप देखोगे तो अकोला है, धुले है, बाद में नंदुरबार एरिया है, तो ये सब एरिया क्या है, सूखाग्रस्त एरिया है, वहाँ पे आपको पानी आपको मिलेगा नहीं। नागपुर के भी आप एरिया साइड जाओगे तो वहाँ पे आपको ज़मीन में आपको पानी देखने मिलता नहीं है। अब जब पानी देखने नहीं मिलता है तो एग्रीकल्चर कहाँ से होगा, और एग्रीकल्चर नहीं होगा तो खेती नहीं होगी, खेती नहीं होगी तो लोग कुछ क्या कहते हैं, ज़मीन में उगा नहीं पाएंगे, जब उगा नहीं पाएंगे तो कुछ कमा नहीं पाएंगे, कुछ कमा नहीं पाएंगे तो भूखे मरेंगे, तो ये कंडीशन थी। तो ये फेमाइंस को कंट्रोल करने के लिए, अकाल को कंट्रोल करने के लिए ये जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आया, उससे क्या हुआ, जैसे कि महाराष्ट्र के लोग, मतलब जो सूखाग्रस्त एरिया है, ठीक है, जैसे कि धूल है, नंदुरबार, इस एरिया में अगर कुछ फूड ग्रेन्स होता नहीं है तो इस एरिया में कैसे पहुँचाया जाएगा, थ्रू रेलवे के थ्रू पहुँचाया जाएगा। यानी कि पंजाब में हो रहा है वीट, बिहार में हो रहा है राइस, बंगाल में हो रहा है राइस, वो राइस और वीट हम महाराष्ट्र के फेमाइंस एरिया में पहुँचाएंगे, जिससे जो वहाँ के जो लोग हैं उनको जो है ये क्या कहते हैं, भुखमरी की वजह से मरना ना पड़े, उनको फूड ग्रेन्स प्रोवाइड हो सके। तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हम कह सकते हैं, फास्टर मूवमेंट ऑफ द, ये हो गया हमारा पॉइंट। अभी नेगेटिव इम्पैक्ट देखते क्या था, रेलवेज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी बिकॉज प्राइमरी गुड्स कुड देन बी इजिली ट्रांसपोर्टेड बाय द फील्ड्स एंड फार्मर्स टू द पोर्ट्स ऑफ द पर्पज ऑफ द एक्सपोर्ट ऑफ द ब्रिटिश इकोनॉमी। अब नेगेटिव इम्पैक्ट ये हुआ कि ब्रिटिशर जो थे उन्होंने हमारा फार्मर्स का एक्सप्लोटेशन किया, और दूसरा बात कि लोगों को ज़बरदस्ती इंडिगो की खेती में डाल दिया, जिससे उन लोग का जो इंडस्ट्री सेक्टर था वो डेवलप हो सके और
वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सके, ब्रिटेन ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया को सामान बेच सके, टेक्सटाइल के जो सामान, ये जो कपड़े वपड़े बनते हैं या इंडस्ट्री गुड्स जो बनता है, मशीन मेड गुड्स, उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सके। उसके वजह से क्या हुआ कि हमारे जो रॉ मटेरियल्स थे उनको उन्होंने बहुत सस्ते रेट पे लिया, ठीक है। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। सेकेंड पॉइंट है, एंड फिनिश गुड्स कमिंग एज इम्पोर्ट टू द इंडियन इकोनॉमी कुड बी इजिली ट्रांसपोर्टेड टू द इंटीरियर्स ऑफ द कंट्री टू पर्पस टू सेल। यानी कि फिनिश गुड्स जो थे, जो मशीन मेड गुड्स थे जो ब्रिटेन से बन के आते थे, वो इजीली इंडिया के मार्केट में कैसा पहुंचा जा सके, उसके लिए उन्होंने रेलवेज को लाए। और रेलवेज को लाने की वजह से क्या हुआ कि सूरत में, अगर सूरत के पोर्ट पे अगर कोई मशीन मेड गुड्स यानी कि फिनिश गुड्स उतरता है, तो वो रेलवे के तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैल जाएगा और एक बड़ा मार्केट उनको मिल गया इंडिया। आप उस टाइम पर हमारी पॉपुलेशन भी ज़्यादा थी और जो ब्रिटिश गुड्स थे वो उसको ख़रीदने के लिए भी बहुत लोग इच्छुक थे और बहुत डिमांड था उनका फिनिश गुड्स का, ठीक है। तो इसके वजह से भी उनको फ़ायदा हुआ। तो ये भी एक नेगेटिव इम्पेक्ट हम कह सकते हैं, जिससे हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी वो पूरी तरह दब गई, यानी कि हैंडीक्राफ्ट जो इंडस्ट्री था वो पूरी तरह बर्बाद हो गया ये फिनिश गुड्स की वजह से जब आया इंडिया में। थर्ड पॉइंट है, दस द स्प्रेड ऑफ रेलवेज टू लेट द स्प्रेड ऑफ द डोमेस्टिक मार्केट फॉर द ब्रिटिश प्रोडक्ट। और ये जो था रेलवे ने क्या किया, रेलवे ने ब्रिटिश मार्केट को एस्टेब्लिश होने में सबसे बड़ा रोल प्ले किया हमारे इंडिया में। कैसे? क्योंकि हर जगह उनका सामान पहुँच जा रहा था। अभी गुजरात में आता था पोर्ट से या मुंबई में आता था पोर्ट से, वो पूरे देश में किसके थ्रू फैलता था, रेलवे के थ्रू हर जगह पहुंचा दिया जाता था। जैसे कि जम्मू कश्मीर पहुंचाना है तो रेलवे के थ्रू जम्मू कश्मीर पहुंचा दिया जाता था, नॉर्थ ईस्ट पहुंचाना है तो नॉर्थ ईस्ट आसाम बंगाल तक पहुंचा दिया जाता था, इधर साउथ में पहुंचाना है तो रेलवे के थ्रू फिनिश गुड्स को पहुंचा दिया जाता था। और इसकी वजह से जो हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी, पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, और वहाँ के जो ब्रिटेन की जो इंडस्ट्री थी वो अच्छी तरह से डेवलप हो रही थी। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट हम कह सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। ये भी उसी के बारे में बताया गया है जो मैंने आपको बताया, फिर भी मैं एक बार शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ। कमर्शियल आउटलुक ऑफ द फार्मर्स, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात हो रही है ब्रिटिशर्स के टाइम पे, यानी कि वही कि कमर्शियल आउटलुक के लिए लोगों को लगाया गया। जो लोग सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते थे, खुद के लिए जो फार्मिंग करते थे, अब किसके लिए करेंगे, मार्केट के लिए फार्मिंग करेंगे, जैसे कि इंडिगो की खेती करते थे। सेकंड पॉइंट है, न्यू अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब क्या हुआ, रेलवेज बनने चालू हो गए, पोर्ट्स का डेवलपमेंट होने लगा, रोड्स बनने लग गए, तो उसमें क्या हुआ कि लोगों की ज़रूरत होती थी, और लोगों की ज़रूरत होती थी तो उनको पता था कि लोग तो ऐसे आएंगे नहीं, तो उनको पैसे देने पड़ेंगे, और लोगों को पैसे मिलते थे, और इसकी वजह से लोगों को रोज़गार मिलना चालू हुआ। रेलवे में बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिला, पोर्ट्स बनाने में कितने लोग लगाए गए उसमें रोज़गार मिला, रोड बनाने में कितने लोगों को रोज़गार मिला। तो ऐसे जो डेवलपमेंट के काम हो रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उसमें बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिला। और आज आप देख सकते हो कि पब्लिक सेक्टर आज रेलवे चला रही है, यानी कि सरकार चला रही है हमारी रेलवे। और उसमें देखो, सबसे ज़्यादा जो पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी है वो रेलवेज़ में ही है, रेलवेज़ में ही सबसे ज़्यादा लोग हैं। स्प्रेड ऑफ रेलवेज रोडवेज ओपन अप न्यू अपॉर्चुनिटी ऑफ इकोनॉमी एंड सोशल ग्रोथ। थर्ड पॉइंट है, कंट्रोल ऑफ एमाइंस, यानी कि सूखाग्रस्त जो एरिया था उसको कंट्रोल किया गया। कैसे? हैंडपम्प वहाँ पर लगा दिया जाता था, या क्या कहते, कुआं खुदवा दी जाती थी, या तालाब बनवा दिए जाते थे, जिससे वो जो एरिया था वहाँ पर पानी की कमी ना हो और वहाँ पर भी एग्रीकल्चर हो सके। फोर्थ पॉइंट है, मॉनिटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि पहले जो हम थे वो बार्टर सिस्टम के थ्रू चलते थे, यानी कि चावल देंगे और गेहूँ लेंगे, इस तरह हम बार्टर सिस्टम के थ्रू चलते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने क्या कर दिया, मॉनिटरी सिस्टम चेंज कर दिया गया हमारा, यानी कि अब हम सामान देंगे तो उसके बदले में हमें पैसे मिलेंगे। जैसे कि फार्मर्स लोग क्या करते थे, ब्रिटिशर्स लोग को इंडिगो बेचते थे, और इंडिगो के बदले में ब्रिटिशर्स क्या देते थे, इन्हें पैसे देते थे, और यही पैसा क्या करते थे, उन लोग मार्केट में जाते थे और फ्रूट ग्रेन्स खरीदते थे, राइस, व्हीट, ऑयल, जो भी खरीदना हो उनको वो चीज़ खरीदते थे। देयर वॉज अ ट्रांजिशन फ्रॉम बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज टू मॉनिटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। ग्रोथ ऑफ मॉनिटरी सिस्टम एक्सचेंज फैसिलिटेटेड डिवीजन ऑफ लेबर, स्पेशलाइजेशन एंड लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन। इसकी वजह से क्या हुआ, लोगों के पास पैसे आने लगे,
और लोग जो थे अलग अलग चीज़ में इंगेज होने लगे, यानी कि कोई जिसके पास ज़्यादा पैसा आ गया वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कोई जुड़ गया, कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जुड़ गया, कोई रेलवेज में लग गया, यानी बहुत सारे जगह पे लग गए, जिसके वजह से क्या हुआ लार्ज स्केल पे हमारा प्रोडक्शन होने लगा, लोगों के पास पैसे आने लगे थे क्योंकि। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया लेफ्ट अ लेगेसी ऑफ एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, दिस सर्व एज अ रेडी रेफरेंस टू आवर पॉलिटिशियन एंड प्लानर्स। और वो जो गए तो उन्होंने क्या एक अच्छा चीज़ छोड़ के गया कि एडमिनिस्ट्रेशन कंट्री को कैसे करना है वो छोड़ के गया। और ये सही बात है कि हमारे इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन करना नहीं आता था। आज देख लीजिए PWD का काम या लोकल गवर्नमेंट जो काम करेगा पंचायत लेवल पे, या सेंट्रल गवर्नमेंट जो काम कर रही है या स्टेट गवर्नमेंट काम कर रही है, हमने फॉरेन से अडॉप्ट किया, हमने कुछ इसमें नया कुछ लाया नहीं है। ये हम जो अगर कह दें कि हमारे इंडिया ने ये एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को लागू किया तो वो नहीं, ये IAS जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो सब कहाँ से है, ब्रिटेन से ही आया ये सब। ये जो प्लानिंग कमीशन अभी जो नीति आयोग की हम बात कर रहे हैं उसका नाम चेंज कर दिया गया, वो कहाँ से आया, फॉरेन से ही आया, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा कि हमें जो है एडमिनिस्ट्रेशन करने आ गया, देश को कैसे चलाना है कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करना है वो हमें उन्होंने सिखा के गए। आई होप आपको इतने क्लियर हो गया होगा और ये हमारा फर्स्ट चैप्टर फिनिश हो गया। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन लाइक सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।